अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज रमज़ान स्पेशल बन रहा है आलू चाट। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। मीडियम साइज़ के चार आलू लिए जिन्हें छिलका उतार के हमने इस तरह काट लिया। इस साइज़ में हमने काट लिए। इमली का पल्प लिया है 1 कप। मैंने 1/4 कप इमली ली, उसमें पानी डाल के इसको भिगो के रख दिया और उसका पल्प निकल गया 1 कप। चीनी ली है, ब्राउन शुगर मैंने ली है 1/4 कप। आप वाइट शुगर भी ले सकते हैं लेकिन मैंने ब्राउन शुगर लिया, इससे गुड़ का टेस्ट आएगा। चाट मसाला लेंगे हसबे ज़रूरत। काला नमक लेंगे 1/2 टीस्पून। कटा हुआ हरा धनिया लेंगे हसबे ज़रूरत। अदरक का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून। तो ये चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम चटनी तैयार करेंगे, जो आलू चाट की चटनी है वो तैयार करेंगे। तो पैन लेंगे, उसमें इमली का पल्प डाल देंगे। फ्लेम आप मीडियम रखें। तो सारी चीज़ें हम बल्ब में डाल देंगे। ब्राउन शुगर, आप ब्राउन शुगर की जगह गुड़ भी ले सकते हैं और वाइट शुगर भी ले सकते हैं। काला नमक डालेंगे, अगर काला नमक नहीं है तो वाइट नमक भी ले सकते हैं। अदरक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। बहुत ही ईजी ये चाट है, आप रमज़ान में आसानी से बना सकते हैं। ज़ीरा पाउडर, अब इसे मिक्स करेंगे और इसे गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। फ्लेम आप मीडियम ही रखें। तो ये देखें, इसकी चटनी बहुत ही जल्द तैयार हो गई है क्योंकि इमली का पल्प बना हुआ था तो इसलिए बहुत जल्दी तैयार हो गई है। तकरीबन 2 मिनट लगे हैं इसे पकने में। तो ये देखें, ये गाढ़ी हो गई है। तो झटपट से चटनी हमारी तैयार है। अब हम इसे साइड पे कर देंगे और आलूओं को फ्राई कर लेंगे। आलूओं को फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें हम ये आलू डाल देंगे। ज़्यादा गर्म ऑयल मत कीजिएगा, बस दरमियाना गर्म चाहिए हमें। ये ना हो ऑयल गर्म अच्छा हो, आलू जल्दी से फ्राई हो जाएं और अंदर से कच्चे रह जाएं। आलू बहुत ही अच्छे फ्राई होने चाहिए, बिल्कुल ब्राउन कलर के। तो ये हो गई, इन्हें हम निकाल लेंगे। फिर से निकाल लेंगे तो इसी तरह जो रह गए उन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। आलू सारे फ्राई हो गए हैं, अब इन पे हम ये चटनी डालेंगे जो हमने तैयार की हुई थी। ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम डालें आप। तो मैंने तो सारी डाल दी है। मिक्स कर लेंगे। तो चटनी हमने लगा दी, अब इसे हम प्लेटों में डालेंगे जिसमें हमने सर्विंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे 2 प्लेट्स ली हैं, उन पे ये हम चाट डालेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और साथ में चाट मसाला। और ये हमारी आलू चाट बनके तैयार है। तो चटपटी आलू चाट हमारी बनके तैयार है। अगर आपको ये चाट की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।